दूध निकालो दो टाइम कम से कम रेट में, ठीक है, वो तो आप मार्केट जाओगे मार्केट पता लग ही जाएगा। पंजाब भी जाती है वैसे। आप चीज ये है कि आम फार्मर क्या करता है, सिर्फ तूड़ी और हरे चारे के भरोसे रहता है, लेकिन इसको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह चाहिए शरीर में, जो कैल्शियम फॉस्फोरस की पूर्ति है वो करनी जरूरी है। ब्याने के बाद बच्चा कैल्शियम खींच लेता है, उसकी कैल्शियम भी जरूरी है, ठीक है, कैल्शियम गुड़ वगैरह ताकत की चीज देनी पड़ती है, ठीक है। मेरा रिजल्ट अच्छा है इसका, दो साल से यूज कर रहा हूँ मैं। दो साल से आप इसको काम में ले रहे हो, क्या काम करता है ये? पशु का दूध बढ़ाता है, कैल्शियम की कमी, जैसे पशु कम खाते हैं ताजा भी भैंस कम खान लग जाती है, ठीक है। कई कहते हैं गोली दियो वो दियो, आपा तो पाउडर खिला रहे, फुल खाती है भैंस, खाने में साथ के साथ दूध पे आ जाती है, और साथ में मान लो ये गोली देते हैं दूध बढ़ाने के लिए, इससे पशमा भी बढ़िया रहता है। कई भैंसों का पाउस कम हो जाने के, जैसे ठंड में दूध कम होना उसमें बहुत काम करती है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। दोस्तों आज मैं इस वक्त सिरसा क्षेत्र में हूं और यहां एक डेयरी फार्म पे हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वालिटी के पशु देखे हैं। तो एक जो युवा नौजवान साथी हमारे साथ हैं, एक यूँ कहें कि काफ़ी छोटी सी उम्र में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ से पशुओं की खरीद बेच का भी इनका काम है और डेयरी फार्म को भी एक बढ़िया मैनेजमेंट ढंग से और चला रहे हैं। तो भाई से जानेंगे कि इनके पशु जो है वास्तव में देखने लायक पशु, एक अच्छी तंदुरुस्ती भी है और दूध उत्पादन भी इनका काफ़ी अच्छा है। तो उनसे जानते हैं क्या कुछ राज है इसके बारे में, क्या कुछ पशुओं को वो दे रहे हैं। सबसे पहले इनसे परिचित करेंगे। भाई साहब नमस्कार। राम राम जी। अपना एक बार नाम पता बता दो किसान भाइयों को। मेरा नाम विशाल है जी, सिरसा के अंदर अपनी डेयरी है, ऊपर छः दो नंबर गली में, तीन नंबर गली है रानी गेट पे। ठीक है जी। कितने टाइम से कर रहे हो आप ये काम? हो गए जी, मैं मतलब 10-11 साल हो गए, छोटी उम्र में लगे। 10 साल बिल्कुल छोटे ही लगे थे और वही काम ये आपका भतीजा कर रहे हैं। हाँ जी, ये भाई का लड़का है। तो ये बताइए कि अक्सर हम जहाँ भी डेयरी फार्मों पे जाते हैं तो कई जगह हमने ऐसा देखा है कि पशु एकदम मतलब कमजोर से खड़े रहते हैं, और कई फार्मरों की ये शिकायत भी हमने सुनी है कि पशु जैसे ब्याह गया, ब्याहने के बाद 2-3 महीने तक अपने दूध उत्पादन में पीक पे नहीं आता, तो उससे एक तो कीमत भी पशु की डाउन जाती है, और दूसरा डेयरी फार्मरों को जो लॉस होता है कि अपना जो दूध उत्पादन नहीं मिलेगा तो उससे घाटा भी होता है। आपके यहाँ पे आप जैसे बता रहे हो भी 10 सालों का एक्सपीरियंस है आपका, तो क्या कुछ चीज़ें आप पशुओं को देते हो जिससे पशु जल्दी पीक पे आता है और अपना उत्पादन भी की कीमत भी बढ़िया मिले? जैसे तो जी मान लो ताज़ा पशु भी आता है उसको या कैल्शियम देना, गुड़ वगैरह वगैरह छटने के लिए कैल्शियम वगैरह, वो गुड़ के साथ सरसों की खल, और मान लो ये है कि फीड मैनेजमेंट जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा और कोई सप्लीमेंट आप जो काम में ले रहे हो? सप्लीमेंट ले रहे हैं जी, रिजल्ट अच्छा है इसका, दो साल से यूज कर रहा हूँ मैं। दो साल से आप इसको काम में ले रहे हो, क्या काम करता है ये? पशु का दूध बढ़ाता है, कैल्शियम की कमी, जैसे पशु कम खाते हैं ताज़ा भी भैंस कम खान लग जाती है, ठीक है। कई कहते हैं गोली दियो वो दियो, आपा तो पाउडर खिला रहे, इसे फुल खाती है भैंस, खाने में साथ के साथ दूध पे आ जाती है, और साथ में मान लो ये गोली देते हैं दूध बढ़ाने के लिए, इससे पशमा भी बढ़िया रहता है। कई भैंसों का पाउस कम हो जाने के, जैसे ठंड में दूध कम होना उसमें बहुत काम करती है, ठीक। और ये जो एक बाल्टी टाइप रखी है ये साथ में मिला के देना पड़ता है तीनों पाउडर गोल्ड फोस, ये मान लो फर्स्ट फोस की कमी होती है ना, ये गोली है जी, ये दो गोली सुबह दो गोली शाम को देता हूँ, ठीक है। इससे दूध पे जल्दी आता है पशु, जैसे ठंड कई बार व्यापार लाइन में अपने एक पशु का दूध कम ज्यादा होता है ठंड में, उसमें बहुत काम करती है, साथ दोनों मिला के देता हूँ, इससे तो खाने में भूख भी बहुत लगती है, ठीक है। दूध भी जल्दी बढ़ाती है दोनों में बहुत, वो रिजल्ट बढ़िया है इनका, आपने यूज किया है, ठीक है, संतुष्ट हो आप इसे, बढ़िया। बाकी भी जैसे पूरे भारत से लाखों किसान आपको देख पा रहे हैं तो क्या सजेशन करना चाहोगे, यूज करना चाहिए इन प्रोडक्ट? हाँ जी, आयुर्वेदिक में है जी, यूज करना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, देसी जड़ी बूटियां ये तो। ओके। एक ये फर्स्ट फोस की कमी हुई उसमें काम करते हैं, मतलब कोई भैंस अपने मान लो आ जाए पालन में, गर्मी माने पक्को ही मान जाए, फास्ट फोस कमी कारण माने कई भैंसा लाल हो जाए, बीम बहुत बढ़िया रिजल्ट है फास्ट फोस। अच्छा भाई साहब, जैसा आपने शुरू में भी जिक्र किया आपका व्यापार का भी काम है, हाँ जी। और एक छोटी सी उम्र में ही आपने पशुओं को खरीद बेच शुरू कर दी, हाँ जी। तो पशु आपके यहाँ यहीं पे सेल हो जाते हैं जो आप खरीद के लेके आते हैं या बाहर बेचते हो आप? नहीं, बाहर भी जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं अपनी अदर स्टेट में, हाँ जी। ठीक है, तो मान लो वहाँ के भी अपने साथ कई सारे किसान जुड़े हुए हैं, उनको अच्छा दुधारू नस्ल का जो पशु लेना हो कोई, तो आप वहाँ सप्लाई देते हैं? सप्लाई देते हैं। तो वो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करें फिर? वो अपना नंबर दे देंगे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, फोन नंबर ले लेंगे मेरा, ठीक है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं।